मैं आज मैं होना चाहता हूँ, बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ, एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूँ, मैं आज मैं होना चाहता हूँ। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है। यही वो पल है जब एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। मेल मिलाप से ही रिश्तों का आधार मजबूत होता है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार। अब इस पर विचार कीजिए। व्यवहार एक ऐसा चीज है जिसके कारण मान और सम्मान दोनों पाया जाता है। आपने सुना ही होगा कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारा बोलता है। अपनों का दिल जीतने के लिए आपका व्यवहार अच्छा होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति प्यार से ज़्यादा सम्मान चाहता है। आप किसी से प्यार भले ना करें, परंतु अगर उसे सम्मान देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उनका प्रेम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके लिए झुकना होगा। आपके दिल में उनके लिए अटूट प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। इस दुनिया में एकमात्र माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन इसके बाद आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने माता पिता से अगाध प्रेम करें। आपके चेहरे से आपका प्रेम झलकना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है जब कोई उनसे प्रेम करे तो बेपनाह प्रेम करे। आप अपने जीवन में किसे चाहते हैं ये निश्चित करता है आपका दिल, और आप अपनों के दिल में कब तक रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। आपका वाणी आपको हर किसी के लिए खास बना सकता है, और आपका गलत वाणी ना जाने कितनों से आपको दूर भी कर सकता है। इसीलिए लोगों के प्रति अपना व्यवहार मजबूत कीजिए। हमेशा सच बोलने की आदत डाल लीजिए, फिर देखिएगा हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपको ही चाहेगा, हर कोई आपको ही पसंद करेगा। आप अपने अच्छे व्यवहार से ही दूसरों का दिल जीत सकते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि आपका कुछ भी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन आप अपने व्यवहार को खराब होने मत दीजिए। समझ गए ना? अपने व्यवहार को बनाए रखिए। जान लीजिए, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो ही हर कोई आपको पसंद करेगा, और यदि हर कोई आपको पसंद करना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि आपने हर किसी का दिल जीत लिया है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे जलता है, वो मेरा प्रगति देखना नहीं चाहता है। सही बात है, ये बिल्कुल सही है कि आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों की प्रगति को देखकर जलता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जलने वाले जलकर राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं ना, वो कभी रुकते नहीं हैं। यदि कोई आपसे जलता है तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसीलिए तो कोई जल रहा है, और जलता वही है जो निकम्मा होता है, जो निठल्ला होता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, वही लोग जलता है। इसीलिए जो जलता है उसको जलने दीजिए। आपको तो आगे बढ़ना है, आपको तो कुछ बड़ा करना है। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल करते चलिए। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, और कभी भी घबराना नहीं है। जो आपसे जलते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं ना, वो आपको कभी भी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। वो खुद एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, और देख लेना, वो आपके सामने आकर के आपसे माफ़ी मांगेगा और बोलेगा कि मैं चाहता था कि तुम आगे नहीं बढ़ो, लेकिन सच में तुम में कितना दम है कि तुम आगे बढ़ गए। तो यही बात है, समझ गए ना? तो ज़्यादा नहीं सोचना है। आप क्यों कहते हो कि वो जलता है? कहना ही नहीं है, बस आप जो कर रहे हो उस काम पर ध्यान दो। और क्यों ना आज के बाद हम सभी प्रयास करें कि उन लोगों के बारे में हम सोचे ही नहीं जो कि हमसे जलते हैं, जो कि हमारे प्रगति को देख करके जलते हैं, जो कि हमें बर्बाद करना चाहते हैं। बल्कि अब वक्त है उन लोगों को जवाब देने का जो हमसे जलते हैं। अब वक्त है आपको आगे बढ़ने का, क्योंकि आपको जवाब देना है ना, आपको कुछ बड़ा करना है।
जो भी लोग आपको नीचा दिखाना चाहता है ना, आप सोच लीजिए मन में कि आपको कुछ बड़ा करना है और उसको जवाब देना है, तो बात से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देना पड़ेगा। समझ गए? तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की बात आप संकल्प लीजिए कि आपको बड़ा काम करना है। समझ गए? आज के जमाने में ना लोग बस सक्सेस होना चाहता है। वो चाहता है कि हम सिर्फ अपने लाइफ में सक्सेस को पालें। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे कैसे खुश रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस किसी के वजह से भी इस मुकाम पर हो उसे थैंक यू बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है? बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी के वजह से सक्सेस होने पर उसे थैंक यू बोलते हैं, या फिर उसे ये कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके वजह से हूँ। आप कम से कम उसे ये बात जरूर बोलो कि मैं आपके वजह से सक्सेस हूँ। चाहे आप अपने माता पिता की वजह से सक्सेस हो, चाहे आप अपने परिवार के लोगों की वजह से सक्सेस हो, चाहे आप अपने दोस्तों के हेल्प की वजह से सक्सेस हो, या फिर अपने सोसाइटी के लोगों के सपोर्ट की वजह से सक्सेस हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें थैंक यू बोलो। आप उन्हें ये फील करवाओ कि नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। जानते हैं, आप अपने ज़िंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, लेकिन आप यदि लोगों का कदर करना नहीं जानते हो, आप यदि लोगों का वैल्यू नहीं जानते हो, आप यदि दूसरों को वैल्यू नहीं देते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप अभी तक सक्सेस करने के लिए तैयार नहीं हुए हो। क्योंकि सक्सेस वही होता है जो दूसरों का वैल्यू देना जानता है। समझे? तो आप हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आप जिस किसी के वजह से भी आज जिस मुकाम पर हैं, आप उन्हें सबसे पहले थैंक यू बोलिए और थैंक यू बोलने की आदत डालिए। एक थैंक यू बोलने से किसी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन बस आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जीवन में कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले के कालिक पर नहीं। खुद को माचिस के तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। बोले गए शब्द ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान करवा हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना कि दवाइयों। लोग आपको कई तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि आप प्रगति करो ही नहीं। कई लोग हैं जो आपको बातों बात में डिमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन उनके बातों में नहीं आना है। आपको तो अपना कुछ करना है, आपको तो कुछ बड़ा करना है। एक बात जान लीजिए, जब आप खुश रहते हो ना तो हर कोई आपका साथ रहता है, लेकिन आप दुखी हो जाओ तो लगेगा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो जब सुख के घड़ी में सब साथ रहता है लेकिन दुख के घड़ी में कोई नहीं रहता है, तो आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि चाहे सुख हो या दुख हो, आप कमजोर ना पड़ो, इस तरह से आपको करना है। तो इसलिए अभी से कुछ ऐसा करो कि यदि दुख भी आए तो भी आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, आपके होठों की मुस्कान कभी भी खत्म ना हो। तो इसीलिए आज से कुछ बड़ा कीजिए और अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए, हमेशा अपने काम में बिजी रहिए। समझ गए ना? और जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं वो आपको कभी भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। बस आप अपने मन को मजबूत कर लीजिए और जो काम कर रहे हैं उस काम को बस करते रहिए, ठीक है ना? लोगों को जवाब देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस वही करना पड़ता है
जो कि वो चाहता है कि आप नहीं करें। समझ गए ना? ये भरोसा भी बड़े कमाल की चीज होती है। सबसे पहले तो भरोसा किसी पर होता नहीं है, और जब होता है तो उसके द्वारा बोला गया गलत बात भी हमें सही लगने लगता है। यदि वो हमारे साथ छल भी करता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे साथ छल कर रहा है। लेकिन जानते हैं आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? जिनसे लगे कि ये आपके साथ छल नहीं कर सकता है या आपसे धोखा नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों के साथ ही रहिए। सबसे पहले तो इंसान को परखना सीख लीजिए। किसी पे आंख मूंद करके विश्वास कर लेना आज के जमाने में सही नहीं होता है। विश्वास करने के लायक हर कोई नहीं होता है, इसीलिए आप हर किसी पे भरोसा मत कीजिए। पहले तो चेक कीजिए लोगों को कि सच में ये आपके विश्वास पे खड़े उतरने के लायक है भी या नहीं। समझ गए? तो किसी के भी साथ जाने से पहले या फिर किसी को भी साथ करने से पहले 1000 बार जरूर सोच लिया कीजिए। समझ गए? कोई भी चीज सोच समझ करके कीजिए, तभी खुश रहिएगा। यदि बिना सोचे समझे कुछ कर लीजिएगा तो सच कहता हूँ कि बहुत दुखी रहना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ जाएगा। इसीलिए यदि खुशी चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ कभी भी मत पकड़िए जो लोग धोखेबाज हो, जो आपको किसी मोड़ पर छोड़ सकते हैं, जो आपको कभी भी नीचे गिरा सकता है। समझ गए ना? तो जरा सोच समझ करके ही फैसला लिया कीजिए। एक वक्त होता था जब लोगों का संबंध दिल से हुआ करता था, लेकिन आज एक वक्त है लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। मतलब कहा जा सकता है कि ये दुनिया अब केवल स्वार्थ पर टिकी हुई है। जानते हैं, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है हम उनका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं। जिस गुरु जी ने हमें शिक्षा दी है, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें रहने का तरीका सिखाया, हम कभी भी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। हमारे परिवार के सभी लोगों के बदौलत ही आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूँ। और यदि आप भी कुछ कर पा रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके परिवार के लोगों का है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन या फिर आपके परिवार के सदस्य, जिन्होंने भी आपके हित के लिए सोचा है, जिन्होंने भी आपके लिए अच्छा सोचा है, आपसे निवेदन है कि आप भी उनके भलाई के बारे में जरूर सोचें। और सबसे पहले आप अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी ना करें। वो आपको जो आदेश करे उनके आदेश का हर संभव पालन करने का प्रयास करें। प्रयास क्या करना है? उनके आदेश का पालन करना है। क्योंकि यदि आज आप कुछ भी हैं तो केवल अपने माता पिता के बदौलत हैं। और एक बात याद रखिए, आप हर किसी का कर्ज अदा कर दीजिएगा, लेकिन आपके पास वो साहस नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि आप अपने माता पिता का कर्ज अदा कर दो। समझ गए? इसीलिए माता पिता के लिए आप जितना करोगे उतना कम पड़ेगा। इसीलिए करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब तक माता पिता आपके समक्ष हैं, उनके सेवा में कभी भी कोई कमी मत रखो। समझ गए ना? तो इस वीडियो में आज मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी भेजें जिन्हें अपने माता पिता से जरा भी प्रेम नहीं है। समझ गए? अफसोस मत करो यार। देखो, कोई काम अगर नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं बनी, तो उसके पीछे कारण क्या है ये हम नहीं जानते। किसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होगा? हाँ, किसे पता था कि एक दिन लॉकडाउन लग जाएगा? कोई शादी करने वाला था, कोई नया घर बसाने वाला था, कोई अपना सपना साकार करने वाला था, कोई दूर कहीं किसी देश में अपना नया दुनिया बनाने वाला था, कहीं किसी नौकरी के तलाश में कोई नई शुरुआत करने वाला था। हम नहीं जानते। हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स थी। हम में से बहुतों लोग हैं जो इस साल बहुत कुछ करने के बारे में सोचे थे। बहुतों ने नए नए सपने भी देखे थे, किसी का साकार हुआ और किसी का नहीं भी हुआ। हमने भी सोचा था कि इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हम शायद ये भूल गए थे कि हमारी प्लानिंग के ऊपर एक मास्टर प्लानर है,
जिसके प्लानिंग के अनुसार ये सारी दुनिया चलती है, और उसने हमें बखूबी याद दिला ही दिया कि सुनो, तुम सब एक्टर्स हो, पिक्चर का डायरेक्टर तो मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन कहाँ जाएगा और किसे आगे क्या करना है। मुझे आपसे बस इतना कहना था कि देखो, जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, चाहे जैसा भी टाइम क्यों ना चल रहा है, ज़्यादा सोचो मत, बस भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखो। देखो, वो जो कुछ भी करते हैं ना, वो हम लोगों के हित में ही करते हैं। हम मानता हूँ कि कभी कभी उनका लिया गया डिसीजन हम लोगों के लिए दुखदायी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें इस बात का पता चल ही जाता है कि भगवान जो भी किए थे अच्छे के लिए ही किए थे, और वो जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो हम लोगों के हित में ही करते हैं। चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, चाहे आज मानो या कुछ समय बाद मानो, आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए बस सब्र रखो और ज़्यादा अफसोस मत करो यार। किसी के आने या जाने से, किसी के बदल जाने से, और किसी के जवाब देने या ना देने से, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो समझ लेना कि आपने सारी दुनिया जीत ली है। आजकल हम किसी के जिंदगी में तब तक ही खास रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई दूसरा और नहीं मिल जाता। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया है। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश रह सकता है, वरना तो लोग आपको ठग लेते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी किसी को चुभने वाली बातें मत बोलना, क्योंकि वो आपको माफ तो कर देगा, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ रिश्तों का टूटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियाँ पाल रखी थी। बार बार आंसुओं को साफ करने की जगह उस इंसान को ही साफ कर दो जो आपकी आंसुओं की वजह है। क्यों रखोगे ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में? जब दिल और भरोसा टूट जाता है, भले ही आवाज ना हो, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक तो वो जो अपने होते हैं और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा अपने होते हैं। जिंदगी में किसी भी चीज की असली कीमत इंसान को दो बार ही समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खो देने के बाद। क्या आपको पता है कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उन्हें यकीन दिला देते हो कि उसके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। किसी को इतना ज्यादा वैल्यू मत दे दो कि वो आपको कुछ समझना ही बंद कर दे। आसानी से टूट जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं, और सबको पसंद आ जाऊं, मैं भगवान नहीं हूं। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। एक बार भरोसा खत्म हो जाए ना, तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। भरोसा वो कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। ना कभी किसी पे ज्यादा भरोसा करना और ना कभी किसी दूसरे का भरोसा तोड़ना। सपना तो हमने भी बहुतों देखा, पर सभी सपने पूरे नहीं हो गए। फिर भी जी रहा हूँ ना जिंदगी। आप भी जियो और खुशी खुशी जियो। मैं अपना हौसला हमेशा बुलंद रखता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज अगर हमारे जिंदगी में दुख है तो आने वाला कल खुशियों से भरा होगा। आप भी इसी उम्मीद के साथ जिंदगी जियो। कभी भी उदास मत बैठो और अपना प्रयास हमेशा जारी रखो। आगे बढ़ो और बढ़ते रहो। कभी भी दुखी मत होना। जब भी ज्यादा घबराहट आ जाए ना जिंदगी में, तो ये सोच लेना कि ये घबराहट तुम्हें ऊर्जा देने के लिए आई है, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए आई है। तो थकना मत, रुकना मत, और कभी भी खामोश मत बैठना। चल ए जिंदगी, अब नई शुरुआत करते हैं। अब वो करना है जिसे हम दिल से करते हैं। अक्सर हम सबों के जिंदगी में नई नई समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन समस्याओं को खत्म करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमने एक नई जीत हासिल कर लिया है। ऐसा महसूस होता है कि सच में हमने भी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया है। जब आप खुद से खुद की समस्याओं का हल निकालते हैं तो आपको हौसला मिलता है। पर जब आप समस्याओं के समाधान के बारे में ना सोच करके कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, तो आप समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पता है,
इंसान बेचैन कब होता है शायद आपको नहीं पता होगा, तो जान लीजिए, जब आप बेकार की बातों को ज़्यादा सोचते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को कितना भी रगड़ने से वो सोना नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार दुख भरी बातों के ऊपर आप कितना भी ज़्यादा थिंकिंग क्यों ना कर लो, उससे आपको कभी भी खुशी मिलने वाली नहीं है। ये बात सच है कि जब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा समस्या आता है ना, तो उस वक्त ही जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी आदमी होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ देता है। लेकिन ऐसे वक्त में भी ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी करना है ना खुद के दम पर कीजिए और नए तरीके से कीजिए। जो बातें आपको दुख पहुंचा रही है उन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए और खुद के खुशी के ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट कीजिए। इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि चल ए जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं, अब वो करना है जिसे हम दिल से करते हैं, जिस काम में मन लगता है वही काम कीजिए। यदि खेलने में मन लगता है तो खेलिए, यदि पढ़ाई करने में मन लगता है तो पढ़ाई कीजिए, यदि गाने में मन लगता है तो गाइए, यदि आपको किसी का मदद करने में मन लगता है तो दूसरों का मदद ही कीजिए। कुछ ना कुछ करते रहिए, कभी भी बैठिए मत, समझ गए ना, और कभी भी थकिए मत, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए और एक नए तरीके से कीजिए। जब आप कोई भी काम को नए तरीके से करते हैं ना तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेहतर होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें और उन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए जो बातें आपको तकलीफ देती है, समझ गए ना। हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपका जो ड्यूटी है उसको सही से कीजिए। देख लेना आपको कोई भी खुश रहने से नहीं रोक पाएगा, समझ गए ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आजकल हम किसी के जिंदगी में तब तक ही खास रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई दूसरा और नहीं मिल जाता। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया है, अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश रह सकता है, वरना तो लोग आपको ठग लेते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी किसी को चुभने वाली बातें मत बोलना, क्योंकि वो आपको माफ तो कर देगा लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ रिश्तों का टूटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियाँ पाल रखी थी। बार बार आंसुओं को साफ करने की जगह उस इंसान को ही साफ कर दो जो आपकी आंसुओं की वजह है। क्यों रखोगे ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में? जब दिल और भरोसा टूट जाता है, भले ही आवाज ना हो लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक तो वो जो अपने होते हैं और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा अपने होते हैं। लक्ष्य पाया कहाँ जाता है, लक्ष्य तो जिया जाता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति है, इसे भी पाया नहीं बल्कि जिया जाता है। पाने और खोने का बात तो व्यापार में होता है, प्यार में नहीं। बहुतों ऐसे लोग हैं जो किसी को बहुत दिल से चाहते तो हैं पर अपनी बातों को उनके सामने बयां नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि कोई सिर्फ पाने की ही लालसा रखता है तो वो प्यार कर ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम तो एक तरफा होता है, ना ही खोने का डर और ना ही पाने की लालच। एक तरफा प्यार हमेशा उनके खुशी के बारे में सोचता है, कभी उन्हें दुख देना नहीं चाहता। इसीलिए तो लोग अपना प्यार दिल में छुपा कर रख लेते हैं, उनसे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं। प्रेम केवल एक दूसरे का सहायता करने का नाम नहीं है, प्रेम वो है जो अपने प्रेमी को सत्य से अवगत करने का दिशा निर्देश देता है। एक तरफा प्यार करने वालों को बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब पहुँचता है जब उसके भावनाओं को ठेस लगती है। हम एक तरफा प्यार को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन एक सलाह जरूर देना चाहता हूँ कि चाहो उसी को जो आपको चाहता हो, वरना जिंदगी भर दुखी रह जाओगे। क्योंकि प्यार में ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो, बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि कोई दूसरा इंसान आपसे कितना प्यार करता है। इसीलिए कभी भी इस तरह के झमेले में मत फंसो, उसी से प्यार करो जो आपसे प्यार करता हो
और वैसे अपने मन में मत सोच लिया करो कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे एक ना एक दिन प्यार करेगा ही। ऐसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। और यदि किसी से प्यार कर रहे हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, यदि वो तुमसे टूटकर प्यार नहीं कर रहा है, तो सच कहता हूँ तुम उससे दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहना। अपना समय बर्बाद मत करो, समय बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बार बार लौट करके नहीं आता है, ठीक है ना? तो अपने समय का दुरुपयोग मत करो, और रिश्ता रखना है तो उसी के साथ रखो जिसे आपकी कदर हो, जो आपका वैल्यू देता हो, समझ गए ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आज मैं होना चाहता हूँ, बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ, एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूँ, मैं आज मैं होना चाहता हूँ। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपकी इंतजार कर रही हो। जो हारने से कभी डरता नहीं, दुनिया उसी के सामने झुकता भी है। समय और समझ एक साथ उन्हीं को मिलती है जो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए सुख मिलता नहीं और दुख भोगना पड़ता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं, इसीलिए तो मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती है। लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो दूर जाने के बावजूद भी नहीं छूटता। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होती है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। जिंदगी में कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर सफर में हम सफर साथ नहीं होते। कभी शौक था लिखना लम्हों को, आज यही जिंदगी बन गया है। खोकर उसी को मिला है जिसने जिंदगी खुशी से जिया है। कोई महफिल नहीं है, कोई यार नहीं है, कैसा दौर है कि मेरे साथ मेरा दिलदार नहीं है। मत घबराए दिल, ये दौर कुछ वक्त का है, हमेशा के लिए तू भी मेहरबान नहीं है। वक्त बदल देता है हर आलम और हालात, हमेशा तो कभी गम की बरसात नहीं है। आएगी तेरे बेपरवाह होकर जीने की रातें भी, बस समझ ले अभी तेरे लिए कुछ आराम नहीं है। देखे हैं ऐसे वक्त तूने भी पहले जिंदगी में बहुत, देखे हैं ऐसे वक्त तूने पहले भी जिंदगी में बहुत। इस वक्त को बिताना तेरे लिए एक इम्तिहान नहीं है, इस वक्त को बिताना तेरे लिए एक इम्तिहान नहीं है। छोटी छोटी दुखें तो आती ही रहती है, ये मत सोचिए कि आप हमेशा खुश ही रहोगे। कभी कभी दुख तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख वाले क्षण में आप दुखी हो जाओ, नहीं, डट करके सामना करना है, संघर्ष करना है, संघर्ष ही जीवन है। कभी भी घबराओ मत, कभी भी टूट मत जाना, हमेशा आगे बढ़ो और हमेशा प्रयत्न करो कि खुशी तुम तक चल कर आए। ऐसा करो कि जिंदगी में हमेशा तुम खुश ही रहो। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हें दुख हो जाए, और वही काम करना जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलता हो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उन तीन कामों के बारे में जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो।
वो चाहे बिल गेट्स हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अंबानी हो या फिर अन्य कोई सफल व्यक्ति क्यों ना हो, उनके जिंदगी में ये तीन कामों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई जीता है, मगर 99% लोग नॉर्मल जिंदगी ही जीते हैं। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो हटकर कुछ अलग सोचते हैं, जो कुछ अलग कर पाते हैं। वो अलग क्यों कर पाते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि थिंक अबाउट योर ड्रीम ईच एंड एवरी टाइम एवरी डे। हर पल हर लम्हा एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, जो आपका सपना है। जिंदगी में कोई एक ही लक्ष्य रखिए, एक से ज़्यादा लक्ष्य रखना कोई मूर्खता से कम नहीं होगा। वो इंसान जिसके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है और वो इंसान जिसके ज़िंदगी में 4-5 लक्ष्य है, उस दोनों की ज़िंदगी में कोई अंतर नहीं होगा। और इस बात का गारंटी है कि वो कभी कामयाब नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक सपना ज़रूर होना चाहिए जो आपको हर पल बिजी रहने के लिए मजबूर कर दे। तो ये था पहला काम जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे काम की ओर। और दूसरा काम ये है कि प्रत्येक दिन सोने से पहले अपने गलतियों को याद कीजिए, और प्रत्येक सुबह जगने के बाद आप प्रण लीजिए, आप शपथ लीजिए कि आज का दिन मैं बेकार नहीं जाने दूंगा और आज मैं कोई भी भूल नहीं होने दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सवेरे जगे, सच कहता हूँ, अगर सफल बनना है ना तो मेरे दोस्त सुबह जगना ही होगा। क्योंकि किसी भी सफल आदमी का रूटीन जाके देख लो, वो सवेरे जगता है। आप चाहे मानो या ना मानो, पर आप जान लो कि अगर खुशहाल जिंदगी जीना है ना तो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना ही होगा। आप खुद सोचो, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि आप अब से गलतियों को नहीं दोहराओगे और आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो आपने पहला काम ये जाना कि अपने ज़िंदगी में एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। दूसरा काम ये जाना कि प्रत्येक रात को याद करना है अपने गलतियों को, और सवेरे जगने के बाद गलतियों को सुधारने का शपथ लेना है। अब चलते हैं तीसरे काम की ओर, और ये तीसरा काम है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, दुनिया में या फिर इंडिया में, हम दुनिया की बातों को छोड़कर इंडिया की ही बात करते हैं, इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और हर मिडिल क्लास फैमिली जब भी किसी चीज़ को खरीदती है तो उसे सोचना पड़ता है खरीदें या ना खरीदें। उनके ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा परेशानी तो पैसे के कारण से ही आती है। आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ को खरीदना तो चाहते हो, पर आप जब पैसों की कमी की वजह से उसे खरीद नहीं पाते हो तो आपको कितनी गंदी फीलिंग आती होगी। सच कह रहा हूँ। आई होप कि आप भी ज़रूर चाहते होंगे कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो, पर ये सिर्फ चाहने से नहीं होगा, खुद को तपाना होगा और सीखना होगा एक एक रुपया का सही इस्तेमाल करना। आप भी जानते हो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप जान लो, छोटी छोटी मेहनत ही आपको सफलता देगी। दुनिया में कम ही लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि 100% में 99% लोग अपना समय बेकार गवा देते हैं। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जो जिद के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, आज से ठान लो कि आप जो भी काम करते हो उसे पूरे लगन के साथ करोगे, फिर देख लेना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपने क्या जाना? सबसे पहली काम, फर्स्ट कि चूज योर गोल, एंड सेकेंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एंड टेक ऑथ एवरी मॉर्निंग, एंड थर्ड इन्वेस्ट योर सेल्फ फॉर योर वर्क। ठीक है ना? तो आज के बाद ठान लो कि आपको करना है और करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। याद रखिए, सपने अगर आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा। ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करते जब तक कि आपका रिजल्ट उन्हें हिलाकर ना रख दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुँचते हैं। अगर सच में किसी का मदद करने की इच्छा हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है, हर रोज तारीफ ही मिलेगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो सच कहता हूँ, लोगों की बातों को आप अपने दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो आप अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं,
किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। मुश्किल हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अपने मेहनत को कभी भी कम होने ना दें। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसा भी हो किसी के सामने झुको मत। जब कोई हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमारे साथ छल करता है, हमारे पीठ पीछे हमें धोखा देता है, तो मन क्रोध और प्रतिशोध से भर जाता है, क्योंकि हम उसके साथ काफी समय बिता चुके होते हैं। अपना मन, अपना तन और अपना धन सब कुछ उन पर न्योछावर कर चुके होते हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी जब कोई हमें धोखा देता है तो बहुत तकलीफ होती है। हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे में कमी क्या थी, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उनको याद कर कर के ना जाने कितने आंसू बहाते हैं, उनकी यादें हमारी पीछा ही नहीं छोड़ती। लाख भुलाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं भुला पाते, परंतु इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचता, लेकिन उसकी यादों में तड़पते रहना ये उचित नहीं है। ये वो अवसर है जहाँ हमें कुछ बन के दिखाना है, ताकि वो अपने जिंदगी में पछतावा करे, ताकि वो ये सोच पाए कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ दिया। जिस कमी के कारण आपको ठुकराया गया है ना, अब आपको उससे बेहतर बनकर उभरना है। सिर्फ उसके लिए नहीं, खुद के सम्मान और परिवार के मान के लिए भी। आपका अपने जीवन में कुछ कर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब आप कुछ ऐसा करो कि वो आपको जब जब देखे उसको तब तब पछतावा हो, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। उस धोखेबाज साथी को ना अपशब्द बोलना है और ना ही उससे ईर्ष्या करना है। उसके आंखों के सामने ही इतना काबिल बन जाना है कि वो आपके काबिल ही ना रहे, और आपका ये कोशिश आपके समाज में अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी, और धोखेबाज लोगों को एक सबक मिलेगी। और आप यदि ऐसा नहीं करते हैं, उनकी यादों में भटकते रह जाते हैं, तो आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि अपने प्रेम का भी अपमान करते हैं, क्योंकि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और ज़्यादा दुखी मत होइए। आज के बाद से आप कसम खा लीजिए कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, और उन बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है जिन बातों से आपको दुख मिलता है। समझ गए ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आज के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। समझ गए ना? दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख देकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। मत करो इश्क साहब, बड़े झमेले हैं। इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले हैं। डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। मतलब खत्म होने पर हर इंसान को रंग बदलते देखा है। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात अलग है कि मुझे साबित करना नहीं आया। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर ही होता है। कुछ लोग जब सह नहीं पाते तो बस रो देते हैं। जब रिश्ता नया होता है तब लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तब लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कल भी आपके पास ही रहेगा, इसीलिए जो आज आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है, और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। ये तो आपने कई बार सुना ही होगा कि किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में करवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो वही आपके दुख का कारण बनता है।
अक्सर होता क्या है कि आप किसी भी काम में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हो कि आपको उस काम से ही नफरत होने लग जाता है। इसीलिए कोई भी काम इतना ज़्यादा मत कीजिए कि उस काम से ही आपको दुख मिलने लग जाए। अक्सर हम अपनी ड्यूटी से परेशान हो जाते हैं, अक्सर हमारे संबंधों में करवाहट आ जाती है। इसका रीज़न क्या आप जानते हैं? क्योंकि कहा गया है कि दुख वहीं से उत्पन्न होता है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लगाव रहता है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखिए। समझ गए? हाँ, सही बात है, करना है अपना ड्यूटी, बिल्कुल करना है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ड्यूटी मत कीजिए कि वो ड्यूटी ही आपकी परेशानी का वजह बन जाए। इसीलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन बना करके रखना ही होगा, क्योंकि बिना संतुलन के आज तक कोई भी खुश नहीं रह पाया है। समझ गए ना? हर सच्चे प्रेम में सात वचन होते हैं। जो भी प्रेमी और प्रेमिका इन सात वचनों का पालन करते हैं उनका प्रेम कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाता। ये सातों वचन रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सात वचनों के बारे में बतला ही देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का प्रथम वचन, दो प्रेमी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। प्रेम का दूसरा वचन, जब प्रेमी खो जाए तो अपना प्रेम पुनः पाने के लिए समस्त संसार से पूछना ना पड़े, बल्कि अपने प्रेम को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा प्रेम संबंध को परिशुद्ध रूप से अंत तक निभाएंगे। प्रेम का तीसरा वचन, अपने प्रेमी से मन से प्रेम करेंगे, तन से नहीं, उनके प्रेम में इतना रम जाएंगे कि हर एक में अपना ही प्रेम नजर आए। प्रेम का चौथा वचन, यदि प्रेमी और प्रेमिका अनुचित मार्ग पर चले जाए तो पूरे बल से उस प्रेमी या प्रेमिका को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें सही मार्ग पर फिर से वापिस लाना होगा, क्योंकि जहां अनंत प्रेम होता है वहां दूरी रखना अनुचित होता है। प्रेम का पांचवा वचन, दो प्रेमियों को सदैव एक दूसरे के वास्तविक रूप को याद दिलाना होगा, अपने कर्मों को कभी नहीं भूलना होगा, प्रेम के साथ साथ कर्म करना भी आवश्यक होता है। प्रेम का छठा वचन, यदि दो प्रेमी किसी कारण से एक दूसरे से दूर हो जाए तो उनके प्रेम में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, हर पल एक दूसरे के दुखों को हरने का प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम का सातवां वचन और आखिरी वचन, समय आने पर प्रेमी को अपने प्रेम के लिए कुछ भी करना होगा, हर संभव उसे अपना प्रयास करते रहना होगा। तो जो भी इन सातों वचनों को अपने दिमाग में रखेंगे, मैं सच कहता हूँ, उनका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इन सात वचनों को अपने जीवन में भी उतारें, और साथ ही साथ जिन्हें इन सात वचनों के बारे में पता नहीं है उन्हें जानकारी अवश्य दें। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, अब जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते ना। कहते हैं रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ये सॉरी और थैंक्स ना जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। उस इंसान के लिए कभी भी मत रोना जिसे तुम्हारी आंसुओं की कदर ही ना हो। इसलिए अगर जीना ही है ना, तो खुद के लिए जियो, खुद के खुशी के लिए जियो और खुद के बारे में सोचो। हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए भोजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन क्या भोजन के रूप में हम कुछ भी खा लेंगे? क्या हमारे मन में जो आएगा हम वही करेंगे? क्या हम समाज के लोगों के अंदर जो चीज़ देखेंगे हम वही करना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं करना है। परमात्मा ने हम सबों को बुद्धि विवेक दिया है और हम सभी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भोजन के रूप में अंडा चाहिए, जिनको भोजन के रूप में मछली चाहिए, जिनको भोजन के रूप में मुर्गी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं उतना बता नहीं सकता हूँ, और आप लोग भी सोसाइटी में देखते ही होंगे। लेकिन क्या आपको सही लगता है किसी भी जीव का हत्या करके उसे खा जाना? ये सही नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं?
वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि किसी भी जीव का हत्या नहीं करना है। और हत्या की क्या बात है, यदि आप किसी को अपने वाणी से भी ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का हिंसा माना जाता है। लेकिन यहाँ तो सरेआम कत्ल होती है। आप खुद सोचिए ना, यदि किसी इंसान का संतान है और उसका कोई कत्ल कर दे तो कितना तकलीफ होता है। यदि आपके घर में ही किसी का हत्या कर दिया जाए तो कितना तकलीफ होता है। वो अंडा में भी तो कोई बच्चा ही पल रहा होता है ना। यदि आप उसका हत्या करते हो या फिर यदि कोई भी उसका हत्या करता है तो मैं सीधा समझता हूँ कि वो पाप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पाप का भागीदार है। आप ऐसा ना करें और ना दूसरों को करने दें। लोगों को समझाइए कि इंसान का भोजन मछली मुर्गा अंडा नहीं हो सकता है। इंसान सात्विक है और इसका भोजन कभी भी मांसाहारी नहीं हो सकता है। यदि कोई मांस मछली खा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने विचार को गंदा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आप खुद जानते होंगे या फिर आपने कहीं से सुना भी होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाते हैं आपके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। आप यदि अच्छी भोजन करोगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, और यदि आप मांसाहारी भोजन करोगे तो आपका विचार भी जानवर जैसा हो जाएगा। आपको मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। यदि मेरी बातों से आपको कुछ भी बुरा लग रहा है तो बुरा मत लगने दीजिए, और मैं आपसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। इंसान का ये आदत नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी जीव का हत्या कर दे। इंसान का ये गुण नहीं है। वास्तव में इंसान वो है जिनके भीतर दया है, जिनके भीतर करुणा है, जिनके भीतर ममता है। समझ गए? यदि आपको किसी दूसरे जीव के प्रति प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके भीतर इंसानियत भी नहीं है। और ऐसे वो कई लोग हैं जिनके भीतर की इंसानियत नहीं बची है, लेकिन इसके वजह से हम भी ऐसा करना शुरू कर दें, ये सही नहीं है। समाज में यदि गलत होगा तो हम गलत का सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा आप अपने मन में सोच लीजिए। यदि कोई गलत कर रहा है, यदि कोई गलत तरह का भोजन कर रहा है, यदि कोई किसी को गलत दिशा निर्देश दे रहा है, तो क्या हम भी उनके बातों को मानना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमेशा वही करें जो सही हो। हमारा कहना यह है कि आपका कोई भी फैसला किसी भी जीव के लिए या किसी भी इंसान के लिए दुखदायी नहीं होना चाहिए। आजकल लोग अपने मन का हवस पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी मारना पड़े वो मार देते हैं। क्या आप भगवान हो क्या? परमात्मा ने आपको अपने जिंदगी के बारे में सोचने के लिए बोला है। हाँ, सोचना है तो किसी का भला सोचो, किसी को मारने के बारे में क्यों सोचते हो? ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप कभी भी किसी जीव का हत्या ना करें, और यदि कहीं भी आप किसी को हत्या करते देखते हैं तो कृपया आप उन्हें मना करें। वास्तव में जानते हैं आज लोगों के भीतर इस तरह का भावना क्यों विकसित हो रहा है? इसका असली वजह है कि लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के भीतर आध्यात्मिकता तो बची ही नहीं है, और यदि किसी के भीतर आध्यात्मिकता नहीं है तो उसके भीतर मानवता नाम की चीज़ भी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए यदि आप अपने मानवता को डेवलप करना चाहते हो तो आप अपने भीतर मेडिटेशन लाओ, आप अपने भीतर अध्यात्म को जगाओ। जानते हैं समाज में आज कई ऐसे दरिंदे हैं जो समाज के लोगों को तबाह कर रहे हैं, और ऐसे लोग ही इंसान को तबाह करते करते वो जीवों को भी तबाह करते हैं, क्योंकि जीव तो बोल नहीं पाते हैं ना। यदि कोई अंडा को खाता है तो अंडे से तो आवाज़ नहीं निकलती है कि रुको मुझे मत मारो। यदि किसी इंसान को आप मारते हो तो वो तो जवाब देता है, लेकिन अंडा तो जवाब नहीं देता है ना। क्यों ऐसे करते हो? ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं ये बात उन लोगों को कह रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, समझ गए? तो ऐसा मत कीजिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपको सच में दिल से धन्यवाद देता हूँ। जानते हैं हम सभी इंसान मांसाहारी नहीं हैं। हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। अच्छा भोजन कीजिए, आपका विचार भी अच्छा रहेगा। जैसा अन्न खाइएगा आपका मन भी वैसा ही रहेगा। इसीलिए अच्छा अन्न खाइए और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, समझ गए? और समाज में कभी भी गलत का सपोर्ट मत कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये कहना चाहता था कि जो लोग भी अंडा खाते हैं, जो लोग भी अन्य जीवों का हत्या करते हैं, वो पाप कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकिए, और यदि नहीं रुकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा आपका रोकना काम है। आगे परमात्मा तो कर ही देंगे जो करने का होगा, समझ गए ना?